नमस्कार दोस्तों, इस कोरोना में समझिए कि ये पूरा देश हमारा परेशान है, पूरे देश क्या पूरा दुनिया परेशान है। और सही करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये क्या किया जाए। इसको कोरोना भी इसी में चल रहा है, इसी में लोग भ्रष्ट भी हो रहे हैं। कुछ भ्रष्टाचार तो खत्म हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे हैं। कितने आपको गिनाए, हजारों लाखों हैं। सारे विभाग हो या चाहे कुछ भी हो, अभी पता न कब जाएगा, ये समझ में भी नहीं आ रहा है। लेकिन हमको जहां तक लगता है कि अगर ये हमारे देश में अगर दो चीज बस सही हो जाए, भ्रष्टाचार और ये क्या नाम है, गरीबी तो खत्म हो जाएगी, आधी गरीबी खत्म हो जाएगी। दो चीज बस, एक एजुकेशन, एक मेडिकल हॉस्पिटल। दो चीज अगर सही हो जाए तो हमारा भारत एकदम सुधर जाएगा, सही हो जाएगा, सारे लोग सुखी रहेंगे। क्योंकि एजुकेशन सबको चाहिए, और कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर किसी की तबीयत खराब ना हो। किसी न किसी घर कोई न कोई बीमारी रहती है। जितने लोग कमाते हैं, आधा पैसा बीमारी में जाता है, आधा खाने में, बचता कुछ नहीं है। और पैसे अगर हैं आपके पास अच्छा, तो भाई बीमारी भी लोग देख लेते हैं, एजुकेशन भी देख लेते हैं, अपने बच्चों को करा लेते हैं। अगर पैसा कम है तो एजुकेशन नहीं कराते हैं, लेकिन बीमारी तो ठीक कराना ही कराना है। आपके पास पैसे रहें चाहे न रहें, पहला आते हैं हॉस्पिटल पे। हॉस्पिटल में क्या है कि अगर हमारी तबीयत खराब होती है, पहले क्या होता था, तबीयत खराब होता था तो हम किसी डॉक्टर के पास नॉर्मल जाते थे। तो वो क्या होता था कि हमारा ये नाड़ी ऐसे ही पकड़ के पता चल जाता था क्या है, बुखार है चाहे कुछ भी। अब क्या है कि ब्लड चेक हो रहा है, एक्सरे हो रहा है, जो भी। तो चलिए कोई बात नहीं भाई, ब्लड चेक होता है तो उससे पता चल जाता है हमको क्या है, टाइफाइड है कि मलेरिया है, क्या है। उसी हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन क्या है कि अगर हम किसी गवर्नमेंट कॉलेज अरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, चाहे कहीं भी, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही है पकड़ लीजिए, वहाँ पे अगर जाते हैं तो हमारा समझ लीजिए कि 20 या 22 रुपया जो भी पर्ची लगता है वो कटाने का, लाइन लगाते हैं हम लोग कटा के, फिर उसके बाद नंबर आता है हमारा। मतलब पूरा दिन हमारा एक डॉक्टर को दिखाने में चला जाता है, क्योंकि वो सस्ता है। लेकिन आप बस पर्ची का सस्ता है, आदमी सोचता है सस्ता है, लेकिन बस, लेकिन बराबर सब हो जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल जो है, दोनों बराबर हो जाता है। आप 20 रुपया का पर्ची कटाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, कटा के दिन भर लाइन लगाए। जब डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं, जब मैं भी कई बार कराया हूँ, जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनको सैलरी तो बहुत ज़्यादा मिलती है, चाँप के कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको मिलती है। तो वो सोचते हैं कि हम तो भाई यहाँ पे जो टाइम दे रहे हैं ये फालतू में दे रहे हैं, लोगों को फ्री में देख रहे हैं, ये पैसा जो फीस का है वो भी गवर्नमेंट को जा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपको, आप दिखाने गए, क्या है आपको तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो चाहे जो भी है आपको हुआ है, टीबी है, कैंसर है, कुछ भी है, जो दिखाने दिखाने अगर आप गए, तो वो क्या करते हैं कि जैसे कि आपको देख के और तुरंत उसके बाद वो लिख देंगे कि भाई जांच कराइए, एक्सरे चाहे सीटी स्कैन कुछ भी। तो वो क्या करते हैं कि अपने पास एक विजिटिंग कार्ड रखे रहते हैं, वो जो डॉक्टर रहते हैं, कि आप इसी डायग्नोस्टिक सेंटर में जाइए और अपना एक्सरे करवा के लेके आइए। आप कहीं और नहीं जा सकते हैं, शहर में बहुत डायग्नोस्टिक सेंटर हैं। हो सकता है आपका कहीं पर्चे हो, आपका कहीं कम पैसा लगता हो, आप वहां पे मत जाइए। आप जहां पे वो लिखे हैं आप वहीं पे जाइए,
आप वहीं पे जाएंगे तभी तो उनका कमीशन सेट है, वहां से भी पैसा मिलेगा। आपको देख लिए, कमीशन वहां से मिल गया, उनका काम हो गया, आप लेके आइए, उनको दिखाइए, तो वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, नहीं ठीक है। आप दूसरे के यहां से एक्सरे करवा के लेके आएंगे तो कहेंगे मान्य नहीं है, ये बेकार है, ये नहीं सही है, पता नहीं पढ़ने नहीं आता है कि भिड़ाते हैं, समझे में नहीं आता है, भिड़ुआ तो है ही यही। तो समझ लीजिए कि ये है रीति। फिर उसके बाद आपका एक्सरे देखेंगे, एक्सरे से अलग कमीशन भिड़ाएंगे, फिर उसके बाद दवाई छाप के लिखेंगे, इतना पैसे का कि आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तब भी आपको लेना ही लेना है। और मेडिकल स्टोर भी उनका सेट है, वहीं पे दवा मिलेगी आपको जहां पे आपको वो लिख के बताएंगे। अगर आप दिल्ली में हैं चाहे मुंबई में हैं, अगर आपको अगर दिखा दिए डॉक्टर को, चाहे बनारस चाहे जहीं जहां पर भी, तो आपको उसी हॉस्पिटल के बगल में जो मेडिकल स्टोर है, वो मेडिकल स्टोर जो उनसे सेट है, जहां से कमीशन उसको उनको मिलेगा, अब वहां से फिर उसके बाद वही दवा मिलेगी। आप बाहर घर पे आ जाएंगे 400 किलोमीटर दूर पे, आप पूरा दवाई के मंडी में भी खोज लेंगे तो वो दवा नहीं मिलेगी, वहीं पे मिलेगी दवा वो, क्योंकि दवाई में भी सेट कमीशन, एक्सरे में भी कमीशन सेट। और यही ऐसा चीज है, देखिए कॉलेज हुआ और मेडिकल, इसमें बार्गेनिंग नहीं होती है। आप एजुकेशन में तो समझ लीजिए छोड़ दीजिए, जितना पैसा रहेगा उतना ही लोग करते हैं, लेकिन मेडिकल में आप घर द्वार सब बेच के आदमी को बचाएंगे जान, ये प्रोफेशन है। तो ये चीज नहीं सही हो, ये चीज जिस दिन सही हो गया ना, उस दिन हमारा देश एकदम सही हो जाएगा। हम तो कहते हैं कि जितने गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉई डॉक्टर, उनको अपना क्लिनिक खोलने का कोई बैन कर दिया जाए, वही हॉस्पिटल अपने हॉस्पिटल में गवर्नमेंट कॉलेज में जहां पे उनका जहां पे वो देखने जाते हैं, जहां पे बैठते हैं, वहां पे वो 20 रुपया की पर्ची में एकदम सोचते हैं सरकारी है ये, उसी हिसाब से वो देख के लापरवाही की तरह छोड़ देते हैं। और वही डॉक्टर के पास अगर आप घर पे जाएंगे उनके क्लिनिक पे, तो 1000 रुपये 500 रुपया फीस रहेगी और आपको बैठा के बहुत अच्छे से देखेंगे। ये है हमारा देश, बताइए। डॉक्टर को माना जाता है कि भगवान है, ठीक है, लेकिन ये सब तो बैन कर दिया जाना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल एक भी नहीं होना चाहिए, रहता नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल एक भी रहता ही नहीं, जब सरकारी हॉस्पिटल में सारा कुछ सुविधा सब कुछ सही अगर मिलता हमको, डॉक्टर अगर कमीशन नहीं भिड़ाते तो सब कुछ सही होता। इसलिए समझ लीजिए ये चीज तो नहीं जाएगा। और हमारे देश के गरीब जो लोग हैं, सारे लोगों का आधा पैसा इसी में जाता है, आधी कमाई अपना पेट पालते हैं और आधा कमाई हॉस्पिटल डॉक्टर को दे देते हैं। 20 रुपये के लोग बोलते हैं अरे 20 रुपये की पर्ची है, जाओ कटा के दिखा लो सरकारी हॉस्पिटल में, देख लेते हैं। वहां जाते हैं तो पता चले एक्सरे की मशीन खराब है, तो डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं है वहां पे, प्राइवेट में ले जाके दिखाओ, वहां पे इतना पैसा लगेगा कि हमारे पास देने के लिए नहीं रहेगा। तो यही सब है, कमीशनबाजी जिस दिन खत्म हो गया ना, उस दिन पूरा देश की आधी गरीबी तो खत्म ही हो जाएगी। यही हम मना रहे हैं कि सारे हमारे भारत में जितने हैं सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो जाएं, जो प्राइवेट भी लोग खोले हैं उसको भी गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त हो जाए, वहां पर भी 20 रुपये की पर्ची कटे। यही हम चाह रहे हैं। और दूसरा दूसरा जो एजुकेशन है, एजुकेशन में क्या है कि अगर आपके पास पैसा अगर रहेगा तो आप तो बड़े अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, वरना आप घर पे रहिए। आप अगर पढ़ने में तेज तर्राक हैं, माइंड आपका बहुत तेज है,
तो आप अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएंगे, आपके पास पैसे नहीं है तो फिर उसके बाद जाइए, घर पे जाइए, बैठिए, रहिए, पैसे नहीं है कहाँ एडमिशन होगा, नहीं होगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इतना ज़्यादा खुल गए हैं कि वहाँ पैसे अनाप कसनाप लग रहा है, क्या किया जाए उसको, बताइए। पहले होता था हफ्ते में 2 बार ड्रेस चेंज होता है। ड्रेस चेंज होने से हमको क्या मतलब है? ड्रेस चेंज होने से क्या पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी क्या? उसमें पैसा फालतू का लगेगा, ये फंक्शन है तो वो फंक्शन है, ठीक है कराइए, लेकिन उस हिसाब से करिए। ये प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही होता है, सारे प्राइवेट जो स्कूल है, इंग्लिश मीडियम चाहे मैनेजमेंट कॉलेज जो भी है, सबको गवर्नमेंट अप्रूव कर दिया जाए और यहाँ पे गवर्नमेंट के हिसाब से ही फीस रहे, तो देखिएगा हमारा भारत देश और तरक्की करेगा, गरीबी पूरी खत्म हो जाएगी। क्योंकि सारे को, जो गरीब है जो अमीर है, सबको एक तरीके से एजुकेशन मिलेगा, तो क्यों नहीं हमारा देश आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन है, स्कूल नहीं, एजुकेशन नहीं, यहाँ बिजनेस हो गया है, स्कूल को बिजनेस लोग बढ़ा लिए हैं। क्या करें कि हमारे स्कूल में बहुत ज्यादा एडमिशन आए, हो पैसा चाप के लें, तो बस यही दरख्वास्त है सरकार से। गवर्नमेंट जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, कॉलेज हैं, उसको प्राइवेट जो कॉलेज हैं उसको सबको गवर्नमेंट कॉलेज बना दिया, फीस भी एक तरीके से हो जाए। जो हमारे यहाँ जो एक स्टेट में अगर 20 रुपये फीस है, तो पूरे इंडिया में वही होना चाहिए। और हॉस्पिटल में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसको भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ अप्रूव कर दिया जाए कि इतने में ही इलाज होगा। 20 रुपये फीस है तो 20 रुपये ही फीस रहेगी, पर्ची कटेगी उसकी, और कोई क्लिनिक नहीं किसी डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर का अगर क्लिनिक कहीं पकड़ा जाए तो उसको अंदर कर दिया जाए, उसको कोई अपने घर में क्लिनिक प्राइवेट खोलने का कोई वो नहीं है। अगर वो अगर ये बंद कर दिया जाए तो वही डॉक्टर बहुत अच्छे से देखेगा, और सारा कुछ सुविधा जो हम लोग बाहर जाते हैं एक्सरे, डायग्नोस्टिक सेंटर, ये सब करवाने के लिए, ये सब हमारा उसी हॉस्पिटल में रहे ना, हम क्यों जाएं? यहाँ तो सही भी रहता है तब भी लोग बोलते हैं कि नहीं खराब है, जाइए यहाँ पे, जहाँ हमारा कमीशन सेट है वहाँ पे जाइए। तो बस ये दो चीज़ अगर सही हो जाए दोस्तों, तो हमारे देश का 70% गरीबी और कल्याण हो जाएगा। क्योंकि ये एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लोग सबके साथ ये होता है। एजुकेशन सबको चाहिए, बीमारी भी सबको है, तो बस ये दो चीज बस चाहिए। तो दरख्वास्त है कि हमारे सरकार से कि ये चीज, दो चीज हो जाए सही, तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। और आप लोगों से भी है, और इस वीडियो को जो भी लोग देखें उसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए सर। तो आप लोग को भी भलाई के लिए हम बोल रहे हैं, आप लोग को भी सुविधा हो जाएगी इस चीज़ के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए जय हिंद, जय भारत।